लगभग एक सप्ताह पूर्व गरियाबंद से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक खेत के समीप 2 लोगों से लूटपाट एवं चाकू से हमला के 2 आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर लूट के मोबाइल एवं मोटरसाइकिल बरामद कर लिया था तथा आरोपियों को जेल भेज दिया गया। कुछ दिन पूर्व गरियाबंद से लगभग 1 किलोमीटर दूर राइस मिल के समीप खरता दरीपाला क्षेत्र के 2 युवक शराब भट्टी से अपने गांव की ओर जा रहे थे। इसी दौरान उनसे मोटरसाइकिल मोबाइल लूटकर चाकू से उनको जख्मी कर दिया गया था, जिसकी रिपोर्ट पर पुलिस कार्रवाई जारी थी। मुखबिर सूचना के आधार पर संदेही राजेश साहनी तथा आकाश साठी निवासी गरियाबंद को पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर जुर्म कबूल कर आरोपियों के निशानदेही पर लूटे हुए मोटरसाइकिल तथा वारदात में इस्तेमाल धारदार चाकू को जब्त किया गया है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में पेश किया गया। कार्रवाई में सिटी कोतवाली एवं स्पेशल टीम साइबर सेल की सराहनीय भूमिका रही। तो स्पेशल साइबर टीम और कोतवाली के जो एक्सपर्ट लड़के हैं उनको करके उन्होंने अपने मुखबिर और उनके जो और जो सोर्स हैं उनको लगाए, तो उस बेस पे पता चला कि 2 लड़के ऐसे हैं जो शाम को कुछ खा पी करके और पहले भी लूट वगैरह की घटना कर चुके हैं और ऐसे वारदात में शामिल रहते हैं। तो इस बेस पे करके सूचना संकलन किया गया और 2 लड़के जो गरियाबंद के यहाँ पे वार्ड नंबर 2 और वार्ड नंबर 4 के रहने वाले हैं और अधिकतर शाम को बाइक से घूमते रहते हैं, इस बेस पे संदेह के आधार पर उनको पकड़ा गया और पकड़ के फिर पूछताछ किया गया। तो उन्होंने घटना करना स्वीकार किया और घटना करने के बाद उन्होंने बताया कि मोटरसाइकिल को जंगल में छुपा के रखे हैं, तो मोटरसाइकिल बरामद की गई, चक्कू को एक झाड़ी में फेंक दिए तो उसको बरामद किया गया है और उनसे मोबाइल बरामद किया गया।